दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज ऑनलाइन में। भजन और भालू का अनूठा रिश्ता देखना हो तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर के घने जंगल में साधु सीताराम की कुटिया पर चले आइए। यहाँ पर भालू रोज सुबह भजन सुनने आते हैं और फिर प्रसाद लेने के बाद लौट जाते हैं। बाबा सीताराम का भजन गाते और भजन सुनकर भालू तुरंत चले आते हैं। इन्हें अक्सर जंगल में आपने भालू और इंसानों के बीच टकराव देखा होगा, मगर यह अनूठा रिश्ता देखना वाकई सुखद अनुभव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में जैतपुर के जंगल में सोन नदी के समीप राजमाड़ा में साधु सीताराम वर्ष 2003 से कुटिया बनाकर रह रहे हैं। जंगल में कुटिया बनाने के बाद से प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा सीताराम कहते हैं कि एक दिन जब वह भजन में लीन थे तभी देखा कि दो भालू उनके समीप आकर बैठे हुए हैं और खामोशी से भजन सुन रहे हैं। भालू परिवार को खुद के इतने करीब देखकर एक बार तो सीताराम सहम गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भालू खामोशी से बैठे हैं और किसी तरह की कोई डराने वाली हरकत नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भालुओं को भजन सुनाने के बाद प्रसाद दिया। प्रसाद लेने के कुछ देर बाद भालू वापस जंगल में चले गए। जरा इस गाने को ध्यान से तो सुनिए। सीताराम कहते हैं भजन के दौरान भालुओं के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह आज तक जारी है। बाबा इन्हें जामवंत का रूप बताते हैं। बाबा कहते हैं कि भालुओं ने आज तक उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब भी भालू आते हैं तो कुटिया के बाहर परिसर में ही बैठे रहते हैं और कभी भालू ने कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं किया।